लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। पाटिल साहब का नाम दिया जाए इसके लिए आज 24 जून को प्रखटग्रस्तों का विशाल आंदोलन, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी आपने खुद देखा, इस वक्त इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कोर कमेटी के मेंबर पूर्व सांसद संजीव नायक साहब हमारे साथ हैं। सर, आज सिडको को क्या निवेदन दिया गया और उस पर क्या प्रतिक्रिया थी सिडको की? सिडको को यहाँ निवेदन दिया गया होने वाले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लोक नेता दीपा पाटिल जी का नाम दिया जाए। जिस प्रकार से वहाँ सिडको को सरकार ने बताया गया कि आप एक ठहराव करके भेजिए, उसी प्रकार से एक ठहराव करके भेज दीजिए कि दीपा पाटिल जी का नामकरण का नाम हमने यहाँ भेजा है और उसकी कॉपी ये हमारे कृति समिति को दे दीजिए। इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे सिडको का और सरकार वहाँ डिक्लेयर करे कि भी दीपा पाटिल जी का नाम हमने देने का निश्चय किया है। अगर ये 15 अगस्त तक इसके ऊपर उचित निर्णय नहीं होता है तो चालू वहाँ, क्योंकि बारिश का समय है अभी, कुछ साल के बाद वहाँ काम चालू होने वाला है, वो काम होने नहीं दिया जाएगा, ऐसा निर्णय कृति समिति ने लिया गया है। सर, सिडको की क्या प्रतिक्रिया थी अधिकारियों, क्योंकि ये सारा कारस्थानी यहीं से सारा आग लगाया गया था और सिडको ने ही प्रस्ताव गलत बनाया? सिडको के अधिकारी गणों ने वहाँ हमें ऊपर कर कोई बात कही नहीं, लेकिन अंदर की उनकी बात उन्होंने कहा कि भाई आखिर में हम क्या कर सकते हैं, ये तो सरकार का अधिकार होता है। माननीय नगर विकास मंत्री जी का अगर हमें खत आता है तो हमें उस मुताबिक करना पड़ता है, तो उस मुताबिक हमने किया है, तो आज जो भी निर्णय है सरकार के कहने के ऊपर किया है, इसलिए हमको अभी सरकार को ही पूछना पड़ेगा कि भैया ये निवेदन आया है क्या करें। और मुझे पूरा ये कहना चाहूँगा कि सिडको अधिकारी भी इस मत से सहमत है कि दीपा पाटिल जी का नाम देने के लिए, उनके मन की बात, अंदर की बात है कि वो देने के लिए उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि जो प्रखटग्रस्त समन्वय समिति है उसने निवेदन दे दिया अभी सिडको को, अब ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस पर क्या फैसला लेती है। हालांकि मांग तो यही है कि सिडको ने जो प्रस्ताव बनाया है उसे रद्द किया जाए और नया प्रस्ताव ऐसा तैयार किया जाए जो दीपा पाटिल साहब के नाम पर हो, अन्यथा सर्वपक्षीय समिति ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर 15 अगस्त के पहले यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले अगर इस नाम पर निर्णय नहीं होता, नया प्रस्ताव नहीं बनाया जाता है, तो प्रखटग्रस्त नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य रोक देंगे। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नवी मुंबई।